ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीला अब सबसे ये कह देती है कि वो मुस्तफ़ा से शादी कर लेगी, लेकिन उसकी ये बात सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुस्तफ़ा के पास ना ही कोई नौकरी है और ना ही वो कुछ कर सकता है, तो वो तुम्हें कैसे खुश रख सकता है। अब शर्जीला इसी सोच में गुम होती है और दूसरी तरफ अब मुस्तफ़ा की माँ भी कह रही होती हैं कि वो इंसान जो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता, किसी और की ज़िम्मेदारी क्या उठाएगा। और शर्जीला से अब सब यही बातें कर रहे होते हैं और मुस्तफ़ा भी कह रहा होता है कि किसी ने कभी मुझे गौर से नहीं देखा, ना ही किसी ने मेरे बारे में कभी कुछ सोचा है। और दूसरी तरफ शर्जीला के घर वाले भी यही बात कह रहे होते हैं कि जिसके घर वालों ने उसे इतना इंसल्ट किया तो उस घर में भला कैसे जा सकती है, उस घर में जाकर खुश कैसे रह सकती है। और शर्जीला का बाप ये कह रहा होता है कि मेरे बेटियाँ मुझ पर हर किस बोझ नहीं हैं और मैं किसी की कोई परवाह नहीं करता, और वैसे भी तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा ठीक नहीं है। अब मुस्तफ़ा जब सबकी बातें सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि कोई भी उसे इस लायक नहीं समझता कि वो शर्जीला से शादी कर सके, इसलिए वो शीशा तोड़ देता है।